हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई सी टी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए बेटा, बात कर रहे थे हम लोग एनिमल टिश्यूज की, ठीक है। एनिमल टिश्यूज में लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए, उसी के आगे आज हम लोग बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारी बॉडी में जो जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। जंक्शंस ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बहुत सारे वेरियस टाइप के टिश्यूज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ठीक है, तो इनको देखेंगे कौन कौन से जंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, कितने टाइप के जंक्शंस होते हैं। तो देखिए, इनको कहा जाता है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन कितने टाइप के हैं इनकी बात करेंगे। दीज आर द ज्वाइंट सॉरी दीज आर द जंक्शन दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। ये सेल्स के बीच में क्या करते हैं, एक तरह से उनको जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उनको फंक्शनल और उनको स्ट्रक्चरली जोड़ने का काम करते हैं। तीन टाइप के होंगे बेसिकली। पहले तो होते हैं टाइट जंक्शंस, दूसरे हैं एडेरिंग जंक्शंस, और तीसरे होते हैं गैप जंक्शंस। ये तीन टाइप के जंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए, ये वर्क कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये दिया है। देखिए, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं एडेरेंस जंक्शंस, इनका काम क्या है, तो जहां जहां पर जैसे एक्टिन हो गई, ठीक है, ऐसी प्रोटीन्स इनको बाइंड करने का काम करते हैं, इनको ज्वाइंट करके एक जगह रखने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स भी एक तरह के सेल जंक्शंस के रूप में ही काम करते हैं। ये भी बहुत सारी सेल्स को जोड़ के रखने का काम करते हैं। टाइट जंक्शंस आपने देखे, और ये हैं गैप जंक्शंस। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके देखते हैं कौन सा किस टाइप का होता है। सबसे पहला है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शंस क्या करते हैं, तो हेल्प टू स्टॉप सबस्टेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यूज। अब यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि कोई एक टिश्यूज है, ठीक है, मान लीजिए ये एक पूरा टिश्यूज है। अब इससे कोई भी, इसके अंदर मान लीजिए ये है, ठीक है, इसको इनर साइड से अगर आप देखोगे तो इनर साइड से मान लीजिए ये चारों तरफ से ऐसी बाउंड्री है। इनर इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स भरा है, जो भी फ्लूइड भरा है, तो वो किसी वजह से इससे बाहर ना जाए, है ना, इस टिश्यू से बाहर ना जाए। तो यहाँ पर इस जोड़ के बीच में यहाँ पर ये जंक्शंस प्रेजेंट होंगे, जिनको कहेंगे टाइट जंक्शंस, ताकि जो सेल के अंदर, टिश्यूज के अंदर जो भी मैट्रिक्स है, जो भी सबस्टेंस है, वो बाहर ना निकले, वो लीक ना हो, उससे ये बचाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हेल्प टू स्टॉप सबस्टेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यूज। दूसरे हैं एडेरिंग जंक्शंस, इनका काम क्या होता है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नीबर कीप नियर बोरिंग सेल्स टुगेदर। ये क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है सीमेंटिंग। सीमेंट का मतलब होता है बहुत मजबूती प्रदान करना, है ना। सीमेंट के ऐड आते हैं तो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि वो लोग बताते हैं, जो भी एक्टर एक्ट्रेस ऐड कर रहे होते हैं, तो वो बताते हैं कि ये इतनी मजबूत आपके घर को बनाएंगे। वैसे ही बता वही वही बात हो रही है कि एडेरिंग जंक्शन का काम क्या है, सीमेंटिंग प्रदान करना, मतलब कि एकदम मजबूती वाला काम जहां पर रहेगा वहां पर ये जंक्शन देखने को मिलेंगे, ताकि सेल्स क्या है, एक दूसरे से अलग ना हो, सेल्स को बांध के रखना। जैसे सीमेंट का काम क्या होता है, सीमेंट और उसमें बालू मिला के, ताकि वो जो ईंट के ऊपर ईंट रखा जा रहा है उसको मजबूती से वो बाइंड करते, पकड़ के रखे, वैसे ही इनका काम है कि सेल के ऊपर सेल जैसे रखी है, तो बीच में जंक्शंस प्रेजेंट होंगे, ताकि वो सेल्स दोनों को एकदम ऐसे बांध के रखने का काम करेंगे, ठीक है। ये हो गए, तीसरे आते हैं, वो है गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाई कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बिग मॉलिक्यूल्स। देखिए, ये क्या करते हैं, ये कम्युनिकेट करने का काम करते हैं एक दूसरे की सेल को। फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाई कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। ये साइटोप्लाज्म की मदद से एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये तीनों जंक्शंस हो गए। अब इनको थोड़ा सा इमेज के माध्यम से और देखेंगे, एनसीईआरटी क्या लिखती है इसकी बात करते हैं। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टूगेदर विथ लिटिल इंट्रा सेलुलर मटेरियल इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। तो ध्यान रखेंगे, सेल्स के बीच में क्या होता है, विशेष रूप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो उन सेल्स को जोड़ के रखने का काम करते हैं, उन्हीं को सेल जंक्शन कहा जाता है, ठीक है।
देखिए ये आपको टाइट जंक्शंस दिखाई दे रहा है, टाइट जंक्शंस इन ए सेल। आपको यहाँ पर एपिकल साइड सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और इनके बीच में ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है, पैरा सेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपको एक क्या है, एक सेल जंक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें टाइट जंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखिए, और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखिए ये आपको यहाँ पर ये जो एक्टिन प्रोटीन दिखाई दे रही है, इसके बीच में आपको एडरिन जो एडेरिन जंक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये ध्यान रखेंगे हमारी सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटीन्स होती हैं, एक्टिन हो गई, ठीक है, इन सबको, इन सब प्रोटीन्स को ये बाइंड करने का काम करते हैं। कौन से जंक्शंस? एडेरिन जंक्शंस। ठीक, एक्टिन हो गई, ठीक है, एसिटिन प्रोटीन हो गई, किटेनिन हो गई, ये सारी की सारी प्रोटीन्स को बाइंड करके काम करते हैं। एडेरेंस जंक्शंस बॉन्ड सेल्स टुगेदर स्ट्रॉन्गली, फॉर एग्जाम्पल दे बॉन्ड कार्डियक मसल सेल्स टुगेदर टू स्टॉप द टिश्यूज टियरिंग व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ध्यान रखेंगे इनका काम क्या है, सीमेंटिंग वाला काम है ना, मजबूती वाला काम है। सीमेंट जैसे बाइंड करके रखती है एक ईंट से दूसरे ईंट को, वैसे ही ये एक ही टाइप की सेल्स को, जैसे कि कार्डियक मसल्स हो गई, सॉरी कार्डियक सेल्स हो गई, कार्डियक सेल्स एक ही टाइप की हैं, हृदय में जो पेशियां पाई जाती हैं उनको ये बांध करके रखने का काम करती हैं ताकि वो आपस में बंधी रहे। और जब हृदय क्या कर रहा है, जब हमारा हार्ट एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो उस टाइम ये टूटे ना या फिर उनका बिखराव ना हो, तो उसके लिए जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलते हैं कार्डियक मसल्स जैसी जगह पर जहां पर उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, उनमें रिलैक्सेशन हो रहे हैं, तो जिसके वजह से वो आपस में मजबूती से बंध ही रहे। क्लियर? उन जगह पर एडेरिंग जंक्शंस प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ये आप देख पा रहे हो। चलिए और थोड़ा सा आगे देखेंगे, अब आते हैं गैप जंक्शंस पे। गैप जंक्शंस कैंसल, ये सॉरी गैप जंक्शंस चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में दिखाई देते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप सेल फर्स्ट एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई और दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई, तो इनके बीच में इन दोनों को जोड़ने का काम ये किसका है, ये है ये गैप जंक्शन का। ठीक, चलिए और आगे देखिए, ये देखिए एक और आपको फिगर दिखाई दे रहा है। देखिए इतने सारे फिगर दिखाने का मतलब ये है कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर? तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कैन मूव थ्रू द पोर्स फ्रॉम सेल आर सेल जंक्शंस। ये सेल के बीच में जो गैप जंक्शंस प्रेजेंट हैं, इनमें से क्या हो रहा है, तो एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सोचिए ऐसे खड़े ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, और बीच में यहाँ पर क्या है, गैप जंक्शंस प्रेजेंट है। तो इसी गैप जंक्शन से जो भी आयनिक सबस्टेंसेस हैं वो एक दूसरे सेल से मूव करते हैं, एक दूसरे सेल की सेल मेम्ब्रेन से एक जगह से दूसरे जगह में वो मूव करेंगे। ठीक, चलिए आगे आते हैं डेस्मोसोम्स। ये भी एक सेल जंक्शन के टाइप की तरह ही होते हैं। डेस्मोसोम्स इनका क्या काम होता है, तो देखिए डेस्मोसोम्स एंकरिंग जंक्शन बाइंड्स एडजेसेंट सेल्स टुगेदर एंड हेल्प फॉर्म एंड इंटरनल टेंशन रिड्यूसिंग नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ये बीच में काम करते हैं एक लिंकर की तरह, ठीक है, लिंकर ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं जैसे कि केराटिन वगैरह हो गया, प्लेग दिखाई दे रहा है, और इंटरसेलुलर स्पेस इन डेस्मोसोम में, ये डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर है, ऐसे आप ये ऐसे आपको ये दिखाई देंगे। आगे आते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है, थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द इपिथीलियम एंड अदर टिश्यूज, दीस आर कॉल्ड एज टाइट एडेरिंग एंड गैप जंक्शंस। ये तीन टाइप के आपको जंक्शंस देखने को मिलते हैं। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सबस्टेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडेरिंग जंक्शंस का काम क्या होता है, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। ये एक दूसरे सेल्स को जोड़ने का काम करते हैं, सीमेंट की तरह है, मजबूती प्रदान करते हैं ताकि वो एक दूसरे से जुड़ी रहे, ठीक है। और ये ऐसी टिश्यूज में देखने को मिलते हैं जैसे कि कार्डियक टिश्यूज पे हो गए, कार्डियक सेल्स पे ये देखने को मिलेंगे ताकि वहां पर जो भी रिलैक्सेशन हो रहा है या जो भी एक तरह से
वो खिंचाव हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहे हैं, खिंचाव हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहे हैं, तो वो जब मजबूती से बंधे रहेंगे तभी वो क्या होगा, एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। नहीं तो अगर ऐसा है कि हल्का हल्का उनमें ज्वाइंट है तो जैसे ही खिंचाव होगा वैसे ही टूट जाएंगे, फिर जैसे ही आएंगे फिर एक जगह सिमट जाएंगे, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए प्रेजेंट होते हैं एडेरिंग जंक्शंस, ये परफॉर्मिंग सीमेंटिंग वाला काम करते हैं, मजबूती वाला काम करते हैं। गैप जंक्शंस क्या है, गैप जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या काम करते हैं, देखिए ये एक सेल प्लाज्मा, सॉरी एक ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, दूसरी ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, इनके बीच में ऐसे ये गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हैं गैप जंक्शन। दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में उनको जोड़ने का काम किसका होता है, तो ये होता है गैप जंक्शंस का। और इनकी इन दोनों सेल मेम्ब्रेन से फिर क्या है, जो भी आयनिक ट्रांसफर है, आयनिक हो गए स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का, ये ऐसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये किसकी मदद से होता है, ये होता है गैप जंक्शंस की मदद से, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यूज। देखिए एपिथेलियल टिश्यूज यहाँ पर खत्म होता है, एपिथेलियल टिश्यूज हमने लास्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, सेल जंक्शन वाला पार्ट बचा था तो वो भी हो गया। अब बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज की, कनेक्टिव टिश्यूज का काम क्या होता है, ये किस टाइप के होते हैं, बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज, दिस टाइप ऑफ टिश्यूज इज द मोस्ट अबंडेंट वाइड स्प्रेड एंड वेरिड ऑफ ऑल टिश्यूज टाइप इन द बॉडी। इट आल्सो हैज द वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ फंक्शंस। ध्यान रखेंगे पूरी बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो किसका है, वो है इन कनेक्टिव टिश्यूज का, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है जिद्दी टाइप का, है ना, इनका है कि ये जिद पे है कि हम ही सबसे ज्यादा काम करेंगे, हम ही सबसे ज्यादा बॉडी पार्ट्स बनाएंगे और पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा हम ही प्रेजेंट होंगे। तो ये मोस्ट अबंडेंट टाइप के हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सब जगह प्रेजेंट होंगे, पूरी बॉडी के सेल्स में हर जगह प्रेजेंट होंगे। कैसे कैसे, आइए देखते हैं आगे, ठीक। अब बात करते हैं देखिए कनेक्टिव टिश्यूज की, तो वैसे मैंने ये आपको पहले ही प्रोवाइड किया था, लास्ट सेशन में भी आपको ये फ्लो चार्ट मैंने दिया था और मैंने बोला था कि इसको एक बार आप लिख के बनाइएगा, है ना, इसको ऐसा नहीं है स्क्रीनशॉट तो ले लिए लेकिन इसको देख के आपको बनाना भी है। अब ये कमेंट करेंगे बच्चे कि कितने लोगों ने ये काम किया था। चलो तो इसको एक बार से फिर देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए लास्ट सेशन में हमने एपिथेलियल टिश्यूज डिस्कस किए थे, एनिमल टिश्यूज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एपिथेलियल टिश्यूज सॉरी फोर पार्ट में डिवाइड किया था, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यूज, ठीक है, ये फोर पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, तो एपिथेलियल में चार टाइप, हम पांच टाइप हमने पढ़े थे, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम और लास्ट में था ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये पांच टाइप हमने एपिथेलियल टिश्यूज में देखे थे। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव एनिमल सेल्स टिश्यूज की, ठीक है। तो कनेक्टिव एनिमल टिश्यूज में आपको क्या क्या पढ़ना है इसको एक बार वापस से देख लेंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज हमारा थोड़ा सा क्या है, वाइडेस्ट है, बड़ा है, क्यों, क्योंकि ये बॉडी का मैक्सिमम पार्ट भी यही बनाता है। तो आइए सबसे पहले देखिए एरियोलर टिश्यू आते हैं इसमें, उसके बाद आते हैं एडिपोज टिश्यूज, देन आते हैं स्केलेटल टिश्यूज और लास्ट में आते हैं फ्लूइड टिश्यूज, क्लियर। एरियोलर टिश्यूज में अगेन आपको टेंडन और लिगामेंट पढ़ने हैं, इसको कनेक्टिव टिश्यूज को अभी और आगे हम अच्छे से डिस्क्राइब करके देखने वाले हैं, तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा। एडिपोज टिश्यूज हो गया, स्केलेटल में क्या क्या आता है, तो इसमें बोन आते हैं और कार्टिलेज आता है। फ्लूइड में क्या क्या आता है, तो फ्लूइड में आता है आपका ब्लड और लिम्फ। ये हो गए आपके कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट। मस्कुलर में आपने तीन टाइप पढ़े हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल्स, और नर्वस में, नर्वस वैसे दिखाई तो अकेले दे रहा है लेकिन ये ऐसा है कि अकेला सब पे भारी है ना, वैसा वाला है, तो ये अकेला ही सब पे भारी है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं
अभी हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी इशूज की, तो कनेक्टिविटी इशूज को थोड़ा सा और क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करके इसको और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, लिखा है कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, इट लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज या फिर ऑर्गन। ये क्या करता है, ये एक दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट प्रदान करता है, जो भी बाकी ऑर्गन्स हैं या जो भी बाकी सेल्स हैं उनको सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। इट लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर अदर टिश्यूज आर ऑर्गन। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट अबंडेंट इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, मैक्सिमम, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का मतलब है हायर एनिमल्स में, मैक्सिमम ये कहाँ पर हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है, हायर या फिर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स उन्हीं को कहा जाता है हायर एनिमल्स, जैसे कि मैमल्स हो गए, ठीक है। मैक्सिमम हायर एनिमल्स या कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड हैव फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, दे सिक्रेट फाइब्रस प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मार्क कर रही हूँ उनको सबको आपको नोट कर लेना है और बार बार पढ़ना है, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज में, केवल ब्लड को आप छोड़ दीजिए तो सब में क्या होता है, सब में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या काम करती हैं, क्या होती हैं, तो इनका काम क्या है, दिस सिक्रीट फाइब्रस प्रोटीन जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन, ये क्या करती हैं, कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन का सिक्रीशन करते हैं। दे गिव स्ट्रेंथ, सॉरी, दे गिव स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यूज। इनकी वजह से, इन कोलेजन प्रोटीन्स और इलास्टिन प्रोटीन्स की प्रेजेंस की वजह से ही जो टिश्यूज हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है, इलास्टिसिटी आती है, और क्या, उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनमें जो खिंचाव होता है, रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि आपके जो मस्कुलर टिश्यूज हैं या फिर आपके हाथ में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उसको आप क्या कर पा रहे हो, उसको आप खींच रहे हो, है ना, फैला पा रहे हो, उसको फ्लैक्स कर रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी है उनमें। तो वो किस वजह से है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्रोटीन्स की प्रेजेंस की वजह से है, जिनको आप कहते हो कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिन प्रोटीन। द सेल्स आल्सो सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स, जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, विच अक्यूमुलेट्स बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। जो ये पॉलीसेक्राइड है, ये किसके किसके बीच प्रेजेंट होता है, तो ये सेल्स और फाइबर्स के बीच प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यूज को कितने पार्ट्स में आपको पढ़ना है, ये एक इसका वाइडली डिस्ट्रीब्यूटर चार्ट है, तो इसको क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और अपनी कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देंगे, क्योंकि मैम तो बोलती ही रहती हैं, मैम बोल दी हमको करना है, नहीं करना है, हमारा काम है, तो बेटा ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे, तो फिर सिलेक्शन से आप धीरे 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 दूर होते जाओगे। आपको पता है आपके जो नीट एग्जाम है उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है। अब मैं ये कह के आप लोगों को हताश नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप एक नंबर से भी अगर पीछे होते हैं तो आप लाखों की संख्या में पीछे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि यार अरे चलो आज का काम छोड़ देते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेते हैं, है ना। तो बहुत सारे मेहनती बच्चे हैं जो कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पर कहेंगे हम लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं, हाँ हमारे बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी चीजें यहाँ पर आपको दी जा रही हैं उनको कंटिन्यूअस आप बनाते रहेंगे, करते रहेंगे, और खास कर देखिए जो भी चीजें आपको लेक्चर के दौरान बताई जाती हैं उनको भी अटेंटिव होके सुनना है। ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वो एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, उनसे ही क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो वो भी आपको जितने भी लेक्चर दिए जा रहे हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, आपको पता है कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते हैं ताकि जो बच्चे एम्स या फिर जिपमर वगैरह देते हैं तो उनका भी एग्जाम, क्योंकि एम्स के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, चूंकि अब नीट ही एग्जाम होता है तो नीट में भी थोड़ा सा लेवल कई बार एनसीईआरटी के बाहर चला जाता है। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी रट रखी है तो भी कई बार होता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो उसके लिए है कि आपको समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर मान लीजिए एनसीईआरटी के बीच में एक लाइन लिख के उसको छोड़ दिया है, लेकिन अगर उस लाइन का मतलब आपको नहीं पता है और उसी से क्वेश्चन पूछ लिया घुमा के, तो आप नहीं बता पाओगे, इसीलिए समझना जरूरी है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप रट रहे हैं
मान लीजिए यहाँ पर कुछ बच्चे होंगे जो क्या करते हैं कि वो रट लेते हैं किताबें, रट लिया तो किताबें तो ऐसे बहुत सारी पड़ी हैं, फिर टीचर की आवश्यकता ही क्या है। तो उसके लिए टीचर होता है ताकि आपको वो प्रॉपर समझा पाए कि आपको इतना पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। कनेक्टिव टिश्यूज की बात कर रहे थे। कनेक्टिव टिश्यूज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहले थे लूज कनेक्टिव टिश्यूज, दूसरे थे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज और तीसरे थे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, ये तीन टाइप के टिश्यूज हो गए। अब लूज कनेक्टिव टिश्यूज में भी आपको पढ़ने हैं एरियोलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज और रेटिकुलर टिश्यूज। ये तीन टाइप के टिश्यूज आपके किस में पढ़ने हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यूज में। दूसरा आता है, वो आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस में डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ने हैं और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ने हैं। देन आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में आपको कार्टिलेज पढ़ना है, बोन पढ़ना है और ब्लड पढ़ना है। ठीक है, बोन में भी दो टाइप के बोन पढ़ते हैं, कॉम्पैक्ट और स्पंजी बोन। और कार्टिलेज में आप तीन टाइप के कार्टिलेज पढ़ते हो। पहले आते हैं हाइलिन कार्टिलेज, दूसरे आते हैं फाइब्रस कार्टिलेज और तीसरे आते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। इधर आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में, आपने दो टाइप देखे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। अब इनको भी दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज को अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज और दूसरे हैं येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज में आपको टेंडोन पढ़ने हैं और टेंडोन और शीथ आते हैं इसमें। येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज में लॉर्ड, जिसको सॉरी कॉर्ड लिगामेंट पढ़ने हैं और शीथ पढ़ने हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज किसके बने होते हैं? मैक्सिमम इनमें टेंडोन आते हैं और दूसरे आते हैं येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें क्या आते हैं? लिगामेंट आते हैं। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट नोट कर लेंगे, कॉपी में बना लेंगे और इसको मैं कल फिर से पूछूंगी। ऐसा नहीं है आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये नहीं है आप बोल रहे हो मैं सुन रही हूँ। ठीक है, ये आपकी ईमानदारी चेक हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जब जितना काम कहा जाता है आप लोगों से कि ये काम कर लीजिएगा, आई नो हमारे बच्चे बहुत ईमानदार हैं, वो अपना सारा काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो हम अपना काम छोड़ देंगे। कौन सा मैम देखने आ रही है? क्यों ऐसा करते हो आप लोग? ऐसा नहीं करते हैं ना, क्यों? क्योंकि पता है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ही नुकसान है। मैम तो बोल रही हैं, मैम ने बोल दिया, ये हमारा काम है, हम इसको सीरियस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर ही आके फिर छूट जाता है। अगर आप नहीं करोगे काम तो वो फिर नुकसान आपका है। चलिए, तो ये नोट कर लेंगे फटाफट से। अब आगे आते हैं, हम इनको एक एक करके देखेंगे, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट अगेन दिखाई दे रहा, हमारी बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट हैं और खासकर बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज की, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं अंडर द स्किन, स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनमें एडिपोज टिश्यूज और क्या आते हैं? एडिपोज टिश्यूज और एरियोलर टिश्यूज आते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, उसके बाद आते हैं सॉरी लूज कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, एडिपोज टिश्यूज हो गए, तीसरे ब्लड हो गया, चौथा क्या होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें क्या है? लिगामेंट का फॉर्मेशन होता है। कार्टिलेज आते हैं, कार्टिलेज में बहुत सारे कार्टिलेज, तीन टाइप के कार्टिलेज आपने देखे, और बोन आती है। तो ये इतने टाइप की क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे आपकी बॉडी में, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। ये एक फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, उससे आपको अंदाजा लग जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यूज आपकी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यूज ऐसी जगह पर प्रेजेंट होंगे जहाँ पर फैट इकट्ठा होता है। जो मोटे होते हैं लोग, कुछ लोगों का होता है कि मोटे नहीं हो रहे हैं उनका भी अलग दुख है, कुछ लोग मोटे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उनका अलग दुख है ना। खैर, मोटे होने का ज्यादा दुख है क्योंकि उसके बाद फिर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, जिम जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद भी वेट कम नहीं हो रहा है, मोटे हो रहे हैं। तो वो मोटे होने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर फैट का डिपोजिशन होता है। कौन से टिश्यूज में? तो वो है एडिपोज टिश्यूज। ये टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल होते हैं फैट डिपोजिशन के लिए। इन्हीं टिश्यूज में फैट का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से फिर बॉडी का जो परत दर परत है, अब ऐसे समझिए कि ये क्या है? स्किन है। ठीक है, स्किन के नीचे ऐसे क्या है? ये एडिपोज टिश्यूज फैट इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये धीरे 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 क्या है? फूल रहा है ना। तो उसी की वजह से जो फैट इकट्ठा होता है, उसी की वजह से लोग उनमें क्या है, एक तरह से मोटापा आता है।
ये ब्लड आपको पता है ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो के सॉरी बोन्स के बीच में खाली स्पेस होता है, और वो किस में होता है, मैक्सिमम जो मैमल्स होते हैं उन्हीं में बोन मैरो प्रेजेंट होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो चिड़िया होती हैं, बर्ड्स होती हैं, उनकी बोन मैरो खोखली होती है, इसीलिए उनको न्यूमैटिक बोन कहा जाता है, उनकी बोन्स में बोन मैरो नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बोन है वो कैसी होती है, न्यूमैटिक बोन होती है। पढ़ा है आपने, जब मैंने पढ़ाया था आपको एनिमल किंगडम, तो वहां पर जब सेक्शन बताए थे बर्ड्स बर्ड्स हो गए, एम्फीबिया हो गए, वो सब पढ़ाया था, तो वहां पर बताया था, है ना। तो आपको पता है कि जो बर्ड्स हैं सॉरी जो बर्ड्स हैं उनमें न्यूमैटिक बोन प्रेजेंट होती है, न्यूमैटिक का मतलब है खोखली बोन होती है, उनमें कोई भी बोन मैरो नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि मैमल्स में होता है, मैमल्स के बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट होता है जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, ब्लड हो गया, उसके बाद आते हैं क्या, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें लिगामेंट आते हैं। लिगामेंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, टेंडन हो गए, लिगामेंट हो गए, बोन्स से बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, बोन से मसल्स को कनेक्ट करने का काम टेंडन का होता है। अब जैसे कि स्केलेटन मसल है, हमारा जो हाथ है हम इसको मूव कर पा रहे हैं, तो वो किस वजह से, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारी मसल्स हैं उसकी मसल उन मसल्स में जो ज्वाइंट्स हैं उन्हीं के प्रेजेंस की वजह से हम ये मूवमेंट कर पाते हैं। कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज एट द एंड ऑफ ए बोन, बोन्स के एंड में प्रेजेंट होते हैं, और फिर लास्ट में आते हैं बोन्स। तो ये इतने टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनसे हमारा हमारा बॉडी बना होता है, तो इनकी बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं और आगे आते हैं एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी क्या लिखती है कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए, कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ये बॉडी किसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज ऑफ दियर स्पेशल फंक्शंस ऑफ लिंकिंग एंड, ये लिंकिंग लिखा है, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी में जो बाकी ऑर्गन्स हैं, बाकी टिश्यूज हैं, उनको एक दूसरे से सपोर्ट प्रदान करने में या एक दूसरे से लिंक करने में काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स विच इंक्लूड्स कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोस एंड ब्लड्स। ये इतने टाइप के टिश्यूज आपने देखे। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। ये ध्यान रखेंगे, ये केवल और केवल किसमें नहीं होगा, ब्लड में नहीं होगा, बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं सब में कोलेजन फाइबर्स और कोलेजन प्रोटीन या फिर इलास्टिन प्रोटीन उनमें देखने को मिलेगी, और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज। इसी कोलेजन प्रोटीन या इलास्टिन प्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं उनमें फाइबर्स बनते हैं, और यही फाइबर्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दीज सेल्स आल्सो सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स विच एक्यूमुलेट्स बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट्स एज मैट्रिक्स, जिसको ग्राउंड सबस्टेंस कहा जाता है। तो इनके भीतर क्या होता है, इन टिश्यूज के भीतर मैट्रिक्स जो कि क्या होता है, एक टाइप का ग्राउंड सबस्टेंस होता है, वो प्रेजेंट होता है, जो कि एक टाइप का पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके पढ़ते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज को पहले हमको दो पार्ट में पढ़ना है, एरियोलर टिश्यूज और एडिपोस टिश्यूज। ठीक है, एरियोलर टिश्यूज और एडिपोस टिश्यूज, उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यूज को डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर टाइप में पढ़ने हैं। तीसरे आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कार्टिलेज हो गए, बोन हो गई और ब्लड हो गया। तो ये इतने पार्ट में आपको पढ़ने हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। इन दिस सेल्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफैग्स, मास्ट सेल्स एटसेट्रा
एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसा होता है, तो इनमें जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो गई, मैक्रोफेज सेल्स हो गई और मास्ट सेल्स हो गई, जो कि लूजली अरेंज होती हैं, दो टाइप के होते हैं, एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज। देखिए ये आपको एरियोलर टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं और ये दूसरे हैं, ये एडिपोज टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको डिपोजिशन दिखाई दे रहा है ये फैट का डिपोजिशन है, ठीक है, फैट या इन्हीं को कीटोन बॉडीज कहा जाता है। आगे इसको थोड़ा सा देखेंगे और अच्छे से, ये देखिए ये पहले हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर आप देखिए, एनसीईआरटी का फिगर है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। इनमें आपको ये मास्ट सेल्स दिखाई दे रही हैं, इलास्टिन फाइबर्स हो गए, कोलेजन फाइबर हो गए, फाइब्रोब्लास्ट आर सेल्स दैट सिक्रेट मैट्रिक्स प्रोटीन। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का काम होता है क्या करना, तो ये मैट्रिक्स का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। उसके बाद फ्री मैक्रोफेजेस इसमें देखने को मिलते हैं। ग्राउंड सबस्टेंस इज द मैट्रिक्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ पर ये क्या है, मैट्रिक्स ऐसे भरा हुआ है जो कि ग्राउंड टिश्यूज का काम करता है। इसके आगे ये एडिपोसाइट सेल्स देखने को मिलती हैं, जो कि फैट सेल्स हैं। फैट सेल्स मतलब कि इन्हीं में फैट जो डिपोजिशन होता है और मोटापे के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। जो बॉडी में मोटापा आता है वो इन्हीं सेल्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, ये फैट सेल का काम क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैट डिपोजिशन के लिए, देन आती हैं कैपिलरीज या रेड ब्लड सेल्स, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, मेलेनोसाइट्स होती हैं और रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं। इतने टाइप की आपको ये सेल्स देखने को मिलती हैं। कहाँ पर, ये आप देख सकते हो, लूज कनेक्टिव टिश्यूज का एक फिगर है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा, ये है एरियोलर टिश्यूज। ये ऐसे जो फिगर दिखाए जाते हैं वो आपको जब आप एमबीबीएस क्लियर कर सॉरी जब आप एमबीबीएस कर रहे होते हैं वहां पर आपको जो जो आपको दिखाई देंगे लेक्चर, या फिर जैसे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो उस टाइम आपको ऐसे फिगर दिखाएंगे, और ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नीट तो एक तरह से अभी एक तरह से क्या है, छोटा सा टेस्ट है। एक्चुअल में जो पढ़ाई या जो संघर्ष होता है वो बिटवीन दी 5 ईयर्स जब आप एमबीबीएस कर रहे होते हैं वहां पर दिखाई देता है। तो ये एक तरह से होता है, वहां पर तो और स्ट्रेस होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि पता चल रहा है मन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मन वहां पर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है डॉक्टर ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। क्यों? क्योंकि आप किसी की लाइफ को बचा रहे हो, किसी के लाइफ सेवर हो, है ना। तो डॉक्टर्स ऐसा नहीं है, उनके उनका खुद का प्रॉब्लम्स है, खुद की चीजें हैं, तो उसको क्या है, उनका दिमाग ऐसा हो जाता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को जब वो हॉस्पिटल में है या किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, किसी की चीजों को देख रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए कि उनका दिमाग उस लेवल पे ट्रेन होना चाहिए कि उनकी पर्सनल चीजें या उनमें छोटे छोटे कोई ऐसी चीजें ना हो जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो या स्ट्रेस हो। इसीलिए नीट एक तरह से ऐसा है ना कि एक छोटा सा टेस्ट होता है, एक्चुअल लड़ाई तो कॉलेज जाके स्टार्ट होती है। अब ये मत कहिएगा कि मैम आप तो डरा रही हैं, ये रियलिटी है बेटा। क्योंकि नीट एग्जाम बस एक ऐसा है कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि वो स्ट्रेस झेलने के लिए आप तैयार हो कि नहीं हो, ठीक है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां से एक्चुअल में लड़ाई स्टार्ट होती है। उसके बाद आप देखोगे कि आपके जो डेली के लेक्चर होंगे, उसके बाद आपको क्लासेस अटेंड करनी है, आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं, प्रोफेसर्स आ रहे हैं, आपको इतना इतना काम दे के जा रहे हैं, वहां पर आपको करना ही करना है। वहां पर ऐसा नहीं है कि हम हमारे चाचा विधायक हैं या हमारे चाचा मंत्री हैं तो हम क्या करेंगे, हम सोर्स लगा के पास हो जाएंगे, नहीं, वहां पर ऐसा नहीं होगा। वहां पर ऐसा है कि वहां पर आपको मेहनत करनी ही करनी है। आप डॉक्टर बन रहे हो तो दैट मीन्स कि आपको सीखना ही सीखना है। इसीलिए पहले नीट एग्जाम दिया जा रहा है ताकि जो बाकी वहाँ के डॉक्टर्स हैं या बाकी वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनको लगे कि अच्छा ये नीट एग्जाम क्लियर करके आया, मतलब कि अगर इसको स्ट्रेस दिया जा रहा है इस लेवल का तो ये उसको झेल सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है एरियोलर टिश्यूज का एक स्ट्रक्चर जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज, इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे अरेंज होते हैं। आगे और देखते हैं एरियोलर टिश्यूज, एरियोलर टिश्यूज का ये क्या होता है,
प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथीलियम। ये क्या करते हैं, ये इपिथीलियम है, जैसे इसको ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होंगे और जो भी इपिथीलियल टिश्यूज हैं उनको ये सपोर्ट प्रदान करने का काम करते हैं। देखिए ये हैं एरियोलर टिश्यूज, आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल्स आपको ऐसे प्रेजेंट मिलेंगे इनमें। लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सबस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। क्लियर? ऑफ्टन इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोवाइड्स एंड सिक्रेट फाइबर्स, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। इनमें ये तीन टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, पहली तो होती है फाइब्रोब्लास्ट जिनसे फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा, दूसरी होती है मैक्रोफेजेस और तीसरी होती है मास्ट सेल्स। क्लियर? चलिए ये देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है, इसमें आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दिखाई दे रही हैं, कोलेजन फाइबर दिखाई दे रहे हैं, मैक्रोफेजेस दिखाई देती हैं और इलास्टिन फाइबर्स दिखाई देती हैं। ठीक है, ये लूजली अरेंज्ड होती हैं और इपिथीलियल टिश्यूज के सपोर्ट के लिए प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप के जो टिश्यूज हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज में, वो हैं एडिपोज टिश्यूज, इनकी बात कर लेते हैं। सीन मेनली बीनीथ स्किन, ये स्किन के बीच में, सॉरी स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं। इट सेल्स, सॉरी इट्स सेल्स एडिपोसाइट्स स्टोर फाइव स्टोर फैट्स, इनमें जो सेल्स होती हैं वो फैट के डिपोजिशन में हेल्प करती हैं, फैट को क्या करती हैं, फैट को स्टोर करने का काम करती हैं। ठीक है, चलिए आगे है। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन दिस टिश्यूज। जब आप क्या कर रहे होते हो, ये देखिए एडिपोज टिश्यूज दिखाई दे रही हैं और दिख रहे हैं, और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये इनमें जो सेल्स प्रेजेंट है जिनको एडिपोसाइट सेल्स कहा जाता है। ठीक है, ये कैसी सेल्स हैं, तो ये हैं व्हाइट एडिपोज सेल्स जिनको एडिपोसाइट्स कहते हैं, और इन्हीं में फैट का डिपोजिशन होता है। ये इतना जो ये पूरा सेल है और सेल के अंदर ये क्या है, यहाँ पर फैट स्टोरेज होगा। फैट बनता किससे है, तो जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आप लेते हो, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, ज्यादा खाना खा रहे हैं, कुछ भी ज्यादा ऐसे एक्सेस ले रहे हैं जिसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो वो फिर कन्वर्ट होता रहता है फैट में, और उसको फिर ये टिश्यूज या ये सेल्स क्या करती हैं, एक जगह स्टोर करती रहती हैं, जिसकी वजह से फिर ये फैट डिपोजिशन होता रहता है और मोटापा आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे एडिपोज टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैट डिपोजिशन के लिए, और इसी की वजह से देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये स्किन वाला पार्ट हो गया, और स्किन वाले पार्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर ये क्या है, एडिपोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं, इन्हीं एडिपोसाइट सेल्स में फैट डिपोजिशन हो रहा है, और जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस फैट डिपोजिशन की वजह से मोटापा को शो करती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखती है इसको भी देखते हैं। एडिपोज टिश्यूज इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। याद रखेंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट और कितनी ऐसी चीजें हैं जो हमको वैसे पता नहीं होती हैं। हमको पता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं पतले हैं, ठीक है, तो जब पतले होते हैं तो उनके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं कि ऐसी चीजें खाएं, पता चल रहा है कोई कुछ बता रहा दे रहा, भैया ये खाओ जिससे मोटी हो जाओगी, ये खाओ ये जड़ी बूटी खाओ, है ना, जिसकी वजह से मोटे हो जाओगी, तो उनका अलग दुख है, वो अपना खा रहे हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं हो रहे हैं। दूसरे ऐसे लोग आते हैं जो कि थोड़ा सा भी कुछ खा ले रहे हैं तो उनकी कहेंगे हमको बहुत ज्यादा लग जाता है, हमारे शरीर में कुछ भी खाओ तो ऐसे लग जाता है कि मोटापा तुरंत आ जाता है ना, तो वो गिनते रहते हैं कि अच्छा ये नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें इतने कैलोरी ऊर्जा है, इसमें इतने किलो कैलोरी ऊर्जा है, तो इसको खाएंगे तो इतना फैट चला जाएगा। ये मैक्सिमम आपने सुना होगा ना, जैसे एक्ट्रेसेस होती हैं वो कहेंगी कि हम ये नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें ये इतना प्रेजेंट होता है, इतने किलो कैलोरी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है, तो जिसकी वजह से इतना अगर हम ले रहे हैं हमारी बॉडी में वो फैट डिपोजिशन हो जाएगा। अच्छा, फैट को नष्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। फैट
बट अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे हम बात कर रहे हैं एडिपोज टिश्यूज की, एडिपोज टिश्यूज में आपने देखा कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी को जो चाहिए जितना एनर्जी चाहिए उतना तो आपकी बॉडी डेली कंज्यूम कर ही ले रही है, लेकिन उसके अलावा जो आप खा ले रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आपको खाना चाहिए, ठीक है, खाने में आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है, प्रोटीन लेना है, इतनी विटामिन्स लेनी है, इतना लिपिड लेना है, तो उतना आप ले रहे हो जो कि आपकी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए एनर्जी के लिए, बॉडी को चलाने के लिए। लेकिन उसके अलावा जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो वही एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स धीरे 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 डिपोजिट होते रहते हैं और वो फिर फैट का फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो उसी की बात कर रहे हैं, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमिडिएटली, ध्यान रखेंगे एक्सेस न्यूट्रिएंट्स जो कि इमिडिएटली बॉडी के द्वारा यूज नहीं किए जाते हैं आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड आर स्टोर इन दिस टिश्यूज। ध्यान रखेंगे जब आप एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, ठीक है, भोजन तो आपने ले लिया, भोजन तो एक तरह से ऐसे है ना कि डेली का आपका आहार जो कि चाहिए बॉडी को कि भैया हमको भी चलना है, हमारे लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो इतना हमको डेली चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जब पता चल रहा है खाना खा लिया, उसके बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है मीठा खा लिया, खट्टा खाने का मन कर रहा है वो भी खा लिया, है ना, कुछ अच्छा सा बना है, आप जा रहे हो देख रहे हो कि मार्केट में कोई अच्छा सा आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये खाने का तो बहुत ही मन कर रहा है वो भी आपने खा लिया, तो जो एक्स्ट्रा जा रहा है आपकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स उस टाइम बॉडी कन्वर्ट नहीं कर रही है, या बॉडी उस बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो तो मिल गया है, अब आप एक्स्ट्रा जो ले रहे हो वही एक्स्ट्रा जाके क्या करता है, फैट डिपोजिशन करता है और वो इन एडिपोसाइट सेल्स में जाके कन्वर्ट होता है फैट में, और जो कि काम करता है फिर मोटापे के लिए। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रही है एडिपोसाइट सेल्स, और ये जो सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ये एडिपोसाइट सेल्स का एक स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर क्या है ये फैट डिपोजिशन दिखाई दे रहा, इन्हीं में क्या है इन्हीं में फैट डिपॉजिट होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आप ले रहे हो वो जाके इन सेल्स में कन्वर्ट होता है फैट के रूप में, और ये कन्वर्जन क्या कहलाता है, इसी को कहेंगे कि जो एडिपोसाइट सेल्स हैं इनमें ये फैट डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है क्लियर इमेज जिसमें क्या है ये फैट दिखाई दे रहा है, कीटोन बॉडीज दिखाई दे रही हैं, ये एक एडिपोसाइट सेल्स है और इसमें ये फैट डिपोजिशन हो रहा है, ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा फैट है, और यही फैट फिर धीरे धीरे, अब देखिए यहाँ से मान लीजिए ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद से एक लेयर ये बनी, एक लेयर ये बनी, ये आगे बनते बनते इतनी लेयर हो गई कि धीरे धीरे क्या है ये स्किन के नीचे, मान लीजिए स्किन है तो स्किन के नीचे ये फैट इकट्ठा होने लगता है, और जितना इकट्ठा होगा उतनी ज्यादा क्या क्या होगा, मोटापा होगा, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे इसमें क्या है, कई बार क्या होता है कि जैसे यूरिन में और बाकी जो एक्स्ट्रा ऐसे सबस्टेंसेस निकलते हैं उनमें कीटोन बॉडीज जाने लगती हैं, जैसे कि मैक्सिमम आपने सुना होगा ना जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें यूरिन डिस्चार्ज में उनके कीटोन बॉडीज या ग्लूकोज के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, वो इसी वजह से होता है, क्यों, क्योंकि फैट, एक तो फैट डिपोजिशन है और दूसरी दूसरी चीज ये होती है कि जो डायबिटिक रोग होते हैं उनमें इंसुलिन की मात्रा बहुत कम होती है, यह इंसुलिन निकलता ही नहीं है, इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज के डाइजेशन में, या कह सकते हैं ग्लूकोज के जो उसका बैलेंस है उसको मेंटेन करना है बॉडी में, उसके लिए काम है इंसुलिन का, लेकिन इंसुलिन निकल ही नहीं रहा है बॉडी से, उसका सिक्रेशन ही नहीं हो रहा है, और दूसरे साइड ये है कि ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स या फिर कह सकते हैं कि जो फैट डिपोजिशन है ये कंटिन्यूअस हो रहा है। आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या है, कुछ लोग मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिनमें मोटापा भी होता है, और वो लोग भी डायबिटिक पेशेंट ज्यादा होंगे तो जिसकी वजह से उनका क्या है, जैसे वो थोड़ी दूर भी चलते हैं तो उनको बड़ी थकान लग जाती है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो उसका रीजन ये होता है क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज कंटिन्यूअस जा रहा है। अच्छा ये ऐसा नहीं है, फैट क्या है,
एक्चुअल में फैट एक तरह से डिपोजिशन ही तो है कार्बोहाइड्रेट्स का, या जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उनका डिपोजिशन ही तो है। तो ग्लूकोज वैसे ही इतना एक्सेस मात्रा में या फिर ग्लिसराइल के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ही तो स्टोर है। अब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए चाहिए हमको क्या, इंसुलिन। इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, तो ये कीटोन बॉडीज फिर ब्लड में, लिम्फ में या फिर यूरिन के माध्यम से क्या है, बॉडी से बाहर निकलती हैं, या बॉडी के जितने भी फ्लूइड हैं उन सब में ये जाती रहती हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। अच्छा, डायबिटीज का कारण तो एक तो ये हो गया, दूसरा कारण जो मेन रीजन होता है वो होता है इंसुलिन का सिक्रीशन ना होना। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैनक्रियाज है उससे इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज का प्रॉपर एक तरह से मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है, होम्योस्टेसिस बैलेंस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है। ऐसे पेशेंट को बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि बॉडी में जो ग्लूकोज का एक होम्योस्टेसिस है वो बैलेंस रहे। ठीक है, कई बार आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप इंडिया के रहने वाले हो और आपको बाहर जाना है, ठीक है, किसी भी फॉरेन कंट्री में, फ्रांस जाना है, स्पेन जाना है, ठीक है, जापान जाना है, चाइना, कहीं पर भी जाना है, तो आपके पास इंडियन करेंसी है, लेकिन आपको अगर दूसरी कंट्री में जाना है, दूसरे दूसरे देश में जाना है, तो आपको वहाँ की करेंसी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि वहाँ का काम जो करेगी वही करेंसी करेगी। आपके पास इंडियन करेंसी है उसका कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बात यहाँ पर वही हो रही है, इंसुलिन ही एक ऐसा सबस्टेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस के लिए या ग्लूकोज के एक तरह से डाइजेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर इंसुलिन नहीं प्रेजेंट है। बाकी सबस्टेंस कितना भी प्रेजेंट है कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे समझिए ना कि फ्रांस में आप गए हो और आपको वहीं की फ्रांस की करेंसी चाहिए, स्पेन गए हो, स्पेन की करेंसी चाहिए, अमेरिका गए हैं, अमेरिका की करेंसी चाहिए, तभी आपको वहां पर जो भी पर्टिकुलर वहां की चीजें हैं तो वहां का काम कर पाएंगे। आपके पास इंडियन करेंसी है लेकिन इंडियन करेंसी को आप अमेरिका में तो नहीं चला सकते, या फिर आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी तरह से उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा वहां की कंट्री के अकॉर्डिंग, जिस कंट्री में आप गए हो वहां की जो करेंसी है उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप जाके वहां का काम कर पाओगे ना। तो वैसे ही बात है कि इंसुलिन अगर नहीं प्रेजेंट है तो बाकी किसी, या तो फिर कोई ऐसा सबस्टेंस हो जो इंसुलिन की तरह काम करे, या फिर इंसुलिन अगर एग्जैक्टली नहीं प्रेजेंट है तो बाहर से उसको लेके आओ। तो वही होता है कि बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि जो अंदर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, उनका धीरे 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 खात्मा हो पाए। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए एडिपोज टिश्यूज जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैट के स्टोरेज के लिए। देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज, एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज। ये एरियोलर टिश्यूज हैं और ये हैं एडिपोज टिश्यूज। ये एनसीईआरटी का फिगर है, कई बार ऐसे ही फिगर देके आपसे पूछ लेगा। फिगर देखिए, फिगर यहाँ पर कुछ फिगर हम आपको एक्स्ट्रा दिखाते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए, लेकिन अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपसे एनसीईआरटी के फिगर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज में, जो कि हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें क्या क्या आते हैं, तो देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, डेंस इररेगुलर टाइप और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ध्यान रखेंगे इनमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। टू टाइप्स होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज और डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। देखिए एक एक करके देखेंगे, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। ओरिजिनेशन ऑफ फाइबर्स शोज ए रेगुलर आर इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज। इसको ध्यान रखेंगे, एक तो क्या होगा, एक रेगुलर पैटर्न पे होगा और दूसरा इरेगुलर पैटर्न पे होगा। आइए देखते हैं, पहला है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, शोज रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स। इनमें फाइबर्स का जो जमाव है, जो पैटर्न है, वो रेगुलर पैटर्न पे होता है। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रॉ बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। एग्जाम्पल है इसका टेंडॉन्स एंड लिगामेंट। ठीक है, चलिए अब ये टेंडॉन क्या काम करते हैं, लिगामेंट क्या काम करते हैं, इनकी बात करते हैं।
देखिए ये आपको कोलेजन फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं और ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस में पहला है, सॉरी पहला है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज और ये इरेगुलर टाइप के। देखिए इसमें ये रेगुलर शेप में दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, ये जितने भी प्रेजेंट हैं ये रेगुलर कनेक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे हैं जो इरेगुलर फॉर्म में है, ये एड़े तिरछे कैसे भी प्रेजेंट है। देखिए ये ऐसे प्रेजेंट है, ये ऐसे प्रेजेंट है, ये कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, तो ये इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में डेंस रेगुलर की बात करते हैं, इसमें टेंडॉन्स और लिगामेंट आते हैं। टेंडॉन्स का काम क्या है, अटैच स्केलेटल मसल्स टू द बोन, बोन्स को स्केलेटल मसल्स से अटैच करने का काम किसका होता है, ये होता है टेंडॉन्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे। दूसरे आते हैं लिगामेंट्स, अटैच ऑन बोन्स टू अनदर, एक बोन्स को दूसरे बोन्स से कनेक्ट करने का काम किसका होता है, ये होता है लिगामेंट का। टेंडॉन को हमने कहा कि ये स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करते हैं। स्केलेटल मसल्स ही क्यों कहा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट स्केलेटल सिस्टम से मिलकर बना है और स्केलेटल सिस्टम में जो मसल्स अटैच होती हैं उनको स्केलेटल मसल कहा जाता है। ठीक है, तो स्केलेटन से जो मसल्स अटैच हैं उनको स्केलेटन मसल्स कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स, बोन्स से मसल्स को अटैच करने का काम किसका है, टेंडॉन का है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ऐसे समझिए, ये हमारा क्या है स्केलेटल मसल्स वाला पार्ट क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पर आपको पता है बोन्स प्रेजेंट है हमारी, बोन्स जिसको आप स्केलेटन सिस्टम का पार्ट मानते हो, तो बोन्स प्रेजेंट है। अब बोन्स से जो मसल्स अटैच हैं यहाँ पर वो क्या है, स्केलेटन मसल्स कहलाएंगी, या उन्हीं को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जिनको आप अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर पाते हो। हमारा मन है हमने ऐसे कर दिया, हमारा मन है हमने ऐसे कर दिया, है ना, हमारा मन है हम घुमा रहे हैं, हमारा मन कर रहा है हम सिकोड़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपकी इच्छा से चल रही है, जिनको आप वॉलेंट्री मसल्स कहते हो, आपका जिस पे कंट्रोल है। आप चाह रहे हो अपने पैर को फैलाना तो फैलाओगे, सिकोड़ना चाह रहे हो सिकोड़ोगे, दौड़ना चाह रहे हो दौड़ रहे हो, है ना, हाथ को आप चाह रहे हो कि आपको लिखना है तो लिखोगे, फ्लैश आपको क्या करना है, फ्लैट करना है फ्लैट कर लोगे, सिकोड़ना है सिकोड़ लिए। तो ये क्या है, ऐसा ऐसे टिश्यूज या ऐसी सेल्स, ऐसे मसल्स जिनमें आपका कंट्रोल है उनको कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स, ये मसल्स होती हैं स्केलेटल मसल। ठीक है, दूसरी मसल्स ऐसी मसल्स होती है जिनमें आपका कंट्रोल नहीं होता है, जिनको इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, जैसे कि आपकी आंख की पलक हो गई, यहाँ पर आपकी जो मसल्स प्रेजेंट है उनमें आपका कंट्रोल नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हो कि आप जबरदस्ती, ये नहीं कहेंगे कि हम तो आंखें क्या है ऐसे एकदम एकटक करके देखेंगे और देखते हैं कैसे कंट्रोल नहीं होता, बट वो एक बहुत सर्टेन टाइम के लिए, अगर आप कंट्रोल करते भी हो तो बहुत सर्टेन टाइम के लिए उसको कंट्रोल कर पाते हो। ठीक है, कार्डियक मसल्स भी एक पार्ट होती है जो इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह ही काम करती हैं। कार्डियक मसल्स हृदय जो पेशी होती है उनको, ऐसा नहीं है कि आपका मन कर रहा है कि भाई इनको रोक के रखते हैं रोक लेते हैं, नहीं, अगर आपने उनको रोकने की कोशिश की या वो रुक गई तो आप भी रुक जाओगे, मतलब कि आप खत्म, वो बात होती है। तो वही चीजें हैं कि ऐसी मसल्स जिनमें आपका वश नहीं चलता है या आपकी इच्छा के अनुसार वो काम नहीं करती हैं उनको कहा जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स ऐसी मसल्स हैं जिनमें आपकी इच्छा लगती है या आपका कंट्रोल होता है, जैसे कि मस्कुलर सॉरी स्केलेटल मसल हो गई, स्केलेटल मसल आपके हाथ में जो मसल्स प्रेजेंट है उनको आप मूव कर पा रहे हो, अपनी इच्छा के अनुसार आप इसको मूव कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये टेंडॉन यहीं पर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं टेंडॉन के प्रेजेंस की वजह से हमारा जो मूवमेंट है हाथ का पैर का, इनकी वजह से ही होता है। क्यों, क्योंकि ये मसल्स, और अच्छा मसल्स यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मसल्स ना प्रेजेंट होती, सिर्फ बोन होती, तो क्या आप ऐसे मूव कर पाते इसको, या जो फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी बॉडी में, आप इसको घुमा रहे हो कुछ भी कर रहे हो, है ना, इसको तोड़ रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इलास्टिसिटी है वो इन्हीं टेंडॉन्स के अटैचमेंट की वजह से ही होता है। देखिए ये टेंडॉन है और ये आपके बाइसेप्स, जो कि आपके बाइसेप्स में यहाँ पर प्रेजेंट होगा, मसल्स सॉरी स्केलेटल मसल्स से अटैच होगा। ठीक है, लिगामेंट का काम होता है अटैच वन बोन टू अनदर, एक बोन से दूसरे बोन को ये अटैच करने का काम करता है। देखिए ये आपका टेंडॉन हो गया जो कि आपके क्या है, आपके स्केलेटल मसल्स से अटैच हुआ होता है। लिगामेंट का काम है ये बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करवाने का काम करता है। देखिए
और आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रॉ बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स टेंडोन्स विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू द बोन। अगेन देखिए एनसीईआरटी में भी वही लाइन लिखी है, ये क्या करते हैं स्केलेटल मसल्स को बोन्स से अटैच करते हैं एंड लिगामेंट्स विच अटैच वन बोन टू अनदर, ये दोनों एक दूसरे सॉरी लिगामेंट का काम होता है एक बोन को दूसरे बोन से अटैच करना, आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यूज। देखिए ये आपको ये बोन दिखाई दे रही है और ये एक अलग बोन है तो इसके बीच में लिगामेंट प्रेजेंट होगा, ये बोन है और ये मसल है तो इनके बीच में ये क्या है, ये टेंडन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये आप फिगर अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए क्या होगा। तो इसमें आप समझ पा रहे हैं बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करने का काम होता है लिगामेंट का, और बोन्स को जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं उनसे कनेक्ट करवाने का काम होता है टेंडन का। ठीक, ये देखिए और अच्छे से देख लेंगे फिगर को, ये टेंडन हो गया, ये टेंडन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये हमारी बोन है पटेला बोन हो गई और यहाँ पर ये आपकी मसल्स प्रेजेंट है स्केलेटन मसल्स फीमर बोन हो गई। ठीक है, कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होगा। एसीएल क्या होता है, एसीएल ध्यान रखेंगे, एसीएल एक टाइप का ऐसी मसल्स होती हैं जो कि जैसे मैक्सिमम जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं ना उनमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक, जो फुटबॉल खेलने वाले लोग होते हैं उनमें ये मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, और ये ऐसा सबस्टेंस होता है मत सॉरी ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, इसको कहते हैं इसको कहा जाता है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट कहते हैं एसीएल, इसको क्या कहते हैं इसको लिख लीजिए। एसीएल का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार, या पूछता भी नहीं है तो पता होना चाहिए, इसको कहा जाता है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। ठीक है, और ये जो लोग फुटबॉल खेलते हैं या ऐसी कह सकते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो जिनमें मैक्सिमम ऐसे जो स्पोर्ट्स से आते हैं उनमें कई बार ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है जिसका आपने कभी सुना होगा, या जो खिलाड़ी होगा उसको पता भी होगा जो फुटबॉल वगैरह खेलते होंगे, तो उनमें जो अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो सॉरी ऐसा कई बार होता है कि वो खेल रहे हैं दौड़ रहे हैं तो उनमें जो मस्कुलर स्ट्रेच होता है उसकी वजह से ये लिगामेंट कई बार होता है कि इनमें डिसबैलेंस होता है, ये टूट जाते हैं। ठीक है, या फिर इनमें कहते नहीं है कि क्या है एसीएल हो गया, एसीएल का मतलब होता है यही एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट में फ्रैक्चर हो गया है, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देने लगता है। मेनिस्कस हो गया, फीबिया और टीबिया हो गया, ये नॉर्मल एक नी दिखाई दे रही है, एक जो घुटना है आपका ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एसीएल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके घुटने में प्रेजेंट है, ऐसे ये लिगामेंट से अटैच हुआ होता है। ठीक, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है, ये बोन्स से बोन्स को कनेक्ट करता है, तो जैसे कि अब फुटबॉल जो खेलते हैं ना वो पैर से खेलते हैं तो इतना मूव करते हैं घुटना, कई बार इसकी वजह से ये टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है। क्लियर, जो फुटबॉल या फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि उनका जो पैर का मूवमेंट होता है वो काफी तेज होता है। चलिए अब दूसरे टाइप के जो टिश्यूज हैं वो है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, इनकी बात करते हैं। इररेगुलर पैटर्न ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स मोस्टली कोलेजन प्रोटीन इनमें देखने को मिलता है, क्या होता है मोस्टली कोलेजन प्रोटीन इनमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बात करेंगे प्रेजेंट इन स्किन, ये स्किन पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इररेगुलर पैटर्न के जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो स्किन में देखने को मिलते हैं। देखिए क्या लिखती है एनसीईआरटी, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैव फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन, दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, दे इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है, दिस टिश्यूज इज प्रेजेंट इन द स्किन, ये स्किन में आपको ऐसे देखने को मिलता है। देखिए ये आपकी नॉर्मल स्किन हो गई और ये बाहर वाली जो इपिडर्मिस ये जो आपकी दिखाई दे रही, उसके बाद ये फिर बीच में क्या है ये डर्मिस वाला पार्ट होता है, देन आता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज, इसमें मसल्स आती हैं, और ये क्या होता है ये एडिपोज टिश्यूज का डिपोजिशन होता है, ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है ना ये क्या है
ये फैट डिपोजिशन है जो कि एडिपोज टिश्यूज के किस में, एडिपोज टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं एडिपोसाइट सेल्स, उन्हीं के डिपोजिशन की वजह से होता है। अब ये जैसे जैसे क्या होगा यहाँ पर, जैसे जैसे फैट डिपोजिशन होगा तो देखिए ये ऐसे बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से मोटापा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम तीसरे टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वो हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, इनकी भी बात कर लेते हैं। इनमें कार्टिलेज आते हैं। इन दिस इंटरसेलुलर मटेरियल मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड प्लिएबल ड्यू टू कॉन्ड्रियोटिन सॉल्ट्स एंड रजिस्ट कंप्रेशंस। कार्टिलेज सेल्स जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाई देम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स इम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाई बोन्स इन एडल्ट। ध्यान रखेंगे मैक्सिमम कार्टिलेज को बोन्स रिप्लेस कर देती हैं जैसे जैसे एडल्ट ग्रोथ आती है। ठीक है, कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर, ज्वाइंट्स इन द वर्टिब्रल कॉलम्स, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे कि कार्टिलेज हो गए हमारी नोज में, नोज का जो अपर पार्ट है वहां पर होते हैं। ठीक है, जो हमारा ईयर पिन्ना है उसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें कोई हड्डी नहीं है, आप इसको ऐसे मोड़ रहे हो ना तो ये मुड़ जा रहा है, तो ये कार्टिलेज की प्रेजेंस की वजह से। नोज का जो अपर वाला पार्ट है इसको भी आप मूव कर रहे हो तो इसमें भी कार्टिलेज, तो ये एक तरह से फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्या लिखती है एनसीईआरटी। कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड्स आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लिएबल एंड रजिस्ट कंप्रेशन। सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज कॉन्ड्रोसाइट्स आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाई देम। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स एक टाइप की सेल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर, इन कार्टिलेज में, ये आपको दिखाई दे रही हैं। इनसे एक टाइप का क्या है, मैट्रिक्स का सिक्रीशन होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये तीन टाइप के आपको कार्टिलेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इलास्टिक कार्टिलेज जो कि मैक्सिमम क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल। इलास्टिन कार्टिलेज मैक्सिमम फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा है हाइलिन कार्टिलेज, इज द सेकंड मोस्ट फ्लेक्सिबल। थर्ड है फाइब्रो कार्टिलेज, इज द लीस्ट फाइब फ्लेक्सिबल, ये कम फ्लेक्सिबल होता है। तो ये आपको जो इलास्टिन कार्टिलेज है एग्जाम्पल है इसका, ईयर, जो ईयर पिन्ना है उसमें प्रेजेंट होता है, और ये मैक्सिमम क्या है, मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है। ईयर को आप कैसे भी क्या होता है, कई लोग कहते नहीं इसको पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं, ईयर पिन्ना ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे क्या है ऐसे पूरा घुमा देते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हो अभी आप भी। तो इलास्टिन फाइबर्स मैक्सिमम फ्लेक्सिबल होते हैं, आपकी ईयर पिन्ना में प्रेजेंट होते हैं। दूसरे हैं हाइलिन कार्टिलेज, ये भी सेकंड मोस्ट फ्लेक्सिबल होते हैं जो कि नोज एंड रिप्स में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है ये लीस्ट फ्लेक्सिबल होते हैं फाइब्रो कार्टिलेज, और ये नी एंड वर्टिब्री में देखने को मिलते हैं, जो आपकी नी ज्वाइंट है ना, नी जो घुटने की ज्वाइंट है और जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री के बीच बीच में ये प्रेजेंट होते हैं फाइब्रो कार्टिलेज। एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल के साथ ही पूछेगा, कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट इन, एग्जाम्पल आपसे दे देगा उसके बाद आपको बताना होगा। देखिए लिगामेंट हो गया, कार्टिलेज हो गया, और सिनोवियल, ये कार्टिलेज कहाँ पर, ये नी ज्वाइंट है ना, नी ज्वाइंट के बीच में ये फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्टिलेज की लोकेशन आपको दिया है कहाँ कहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट हो सकते हैं। कार्टिलेज के तीन टाइप, इलास्टिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज इन एक्सटर्नल ईयर, जो ईयर है आपका, जो एक्सटर्नल ईयर जिसको ईयर पिन्ना बोलते हैं उसमें कार्टिलेज। इन नोज, नोज में कार्टिलेज हो सकता है। एंट्रिकुलर कार्टिलेज ऑफ ए जॉइंट्स होगा। कोस्टल कार्टिलेज आपके रिप्स में प्रेजेंट होगा। कार्टिलेज इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट होगा। प्यूबिक सिम्फिसिस में प्रेजेंट होता है। मोनियोसिस जिसको आप पटेला बोलते हो, नी ज्वाइंट पर, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एट्रिकुलर कार्टिलेज ऑफ ए ज्वाइंट, ज्वाइंट में आपके नी ज्वाइंट, घुटने वाले ज्वाइंट पे होगा। ठीक है, आल्सो आपकी इपिग्लॉटिस में, लैरिंग्स में, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और
ट्रैकिया, जिसमें लंग्स को कह सकते हो, इन ट्रैकिया में भी कार्टिलेज प्रेजेंट है और लंग्स में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इतने पोर्शन हैं जहां पर आपको कार्टिलेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। देखिए, ये ट्रैकिया एंड असोफेगस के क्रॉस सेक्शन में आपको ये कार्टिलेज ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर? ट्रैकिया और असोफेगस। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो आपकी ट्रैकिया है, ट्रैकिया जिसको आप क्या कहते हो, ये क्या हो गई, ये ऐसे प्रेजेंट है, और यहाँ आपको आपके ऐसे क्या है, ये लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपकी ट्रेकिया हो गई, और यहाँ से ऐसे क्या है, ये लंग्स ऐसे इससे अटैच होते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है ट्रेकिया कह लीजिए, या इसी को क्या कहते हैं, वाइंड पाइप, है ना, इसी को हवा पाइप कहा जाता है, वाइंड पाइप। दूसरा है आपका असोफेगस, जो कि आके कहाँ पर खुलता है, ये आपके आके ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी, आपके स्टमक में खुलता है, ये स्टमक वाला पार्ट हो गया, ठीक। और ये क्या है, ये है फूड पाइप, इसी को कहते हैं, या इसी को असोफेगस कहा जाता है, फूड पाइप। इसमें अंतर क्या है, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बनाया है। तो देखिए, जो आपकी ट्रेकिया है, अगर इसमें कभी भी कंप्रेशन होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रैकिया है ये कभी ऐसी क्या नहीं है, ऐसा कभी यहाँ पर ये ऐसे सिकुड़ नहीं सकती, अगर ये सिकुड़ जाएगी तो इसमें क्या है, कभी भी जो ट्रैकिया वाला पोर्शन है वो ऐसे दब नहीं सकता है, या वो ऐसे स्ट्रेच नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्ट्रेच हुआ तो हवा का जो बहाव है वो बाधित हो जाएगा, और उसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाएगी। दूसरा जो पार्ट है, ये अगर आप असोफेगस की बात करते हो, तो ये कई बार होता है ना कि ये मान लीजिए ऐसा है, ये नॉर्मल कंडीशन में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये कई बार होता है ना, तो ऐसे ये ऐसे हो सकता है कि ऐसे ये मुड़ जाए, यहाँ पर ये भी होता है। और ये कब होता है, इसमें होता है कि ये असोफेगस वाला पार्ट में असोफेगस कभी मूव कर सकता है, या उसमें कभी भी कई बार होता है कि उसमें ऐसे बीच में कई बार होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फूड प्रॉपर ना आर पार निकल पाए, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रेकिया में ऐसा हुआ तो क्या है, हवा भाई, अच्छा एक बात आप ऐसे समझिए, जब आप खाना खा रहे होते हो तब असोफेगस का यूज हो रहा है, जब खा रहे हो कुछ, है ना, खा रहे हो पी रहे हो तब आप असोफेगस का यूज करते हो, लेकिन जो आपकी ट्रेकिया है वो तो कंटिन्यूअस सोते जागते कंटिन्यूअस चल रही है ना। अगर उसमें ऐसे वो मान लीजिए कोई भी स्पिंचर है या कुछ भी ऐसा बाधित हो गया, जिसकी वजह से वो सिकुड़ के एक पाइप, मान लीजिए पाइप है, पाइप को आपने बीच से सिकोड़ दिया, जिसकी वजह से हवा आर पार नहीं निकल पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो आपके डेथ का कारण हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेकिया बंद हो गई तो हवा नहीं निकलेगी, और जैसे ही हवा का आवागमन बंद हुआ वैसे ही इंसान खत्म। लेकिन अगर असोफेगस में ऐसी कोई चीजें होती हैं तो इंसान ऐसा नहीं है कि इमिडिएटली मर जाएगा, वो जीवित रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये खाने का यूज है ना, खाना आप जा रहा है बॉडी में, खाना जा रहा है, पीना जा रहा है, तभी उस टाइम पे फूड पाइप का यूज हो रहा है, बाकी टाइम फूड पाइप रिलैक्स में है। तो बाकी टाइम अगर वो ऐसे सिकुड़ भी जा रहा है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये बताने का उद्देश्य यही था। तो ध्यान रखेंगे, ट्रेकिया में जो कार्टिलेज होते हैं वो हमेशा क्या है, वो हमेशा ऐसे प्रेजेंट होंगे कि वो आपस में फ्यूज ना करें। असोफेगस में हो सकता है कि वो फ्यूज हो भी जाएंगे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। देखिए, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया में ये आपको पोस्टीरियर पार्ट दिखाई दे रहा है, ल्यूमेन हो गया, ल्यूमेन ऑफ ट्रेकिया से ये बीच वाला पार्ट, ये ऐसे आप देख पा रहे हो ना, ये मान लीजिए पाइप है और पाइप को आप ऐसे देख रहे हो, तो ये बीच वाला पार्ट जहाँ से क्या है हवा आर पार निकल रही है, ल्यूमेन वाला पार्ट हो गया, पोस्टीरियर पार्ट हो गया, एंटीरियर पार्ट इसके पीछे साइड होगा, ये इंटीरियर पार्ट होगा, ठीक है। तो ये पूरा एक तरह से पाइप है, असोफेगस इसी से क्या होता है, इसी के पीछे लगा हुआ होता है। चलिए और आगे देखते हैं, ये देखिए कैलोजन फाइबर्स, जिनको कार्टिलेज कहा जाता है, और कार्टिलेज में जो सेल्स होती हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहा जाता है। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में, जो अगला पार्ट है, कार्टिलेज हो गया, अब दूसरा आता है बोन्स। बोन्स की बात कर ले, इट हैज हार्ड एंड नॉन प्लेएबल मैट्रिक्स रिच इन कैल्शियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से, कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने होते हैं हमारे बोन्स,
ठीक है, तो मैक्सिमम कंपाउंड जो होता है वो कैल्शियम होता है। इट हैज हार्ड एंड नॉन प्लिएबल मैट्रिक्स रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कैलोजन फाइबर्स विच गिव्स बोन्स इट्स स्ट्रेंथ। जो कि कैल्शियम का काम क्या होता है, बोन्स को मजबूती प्रदान करने का काम करती है। कई बार आपने सुना होगा ना कि क्या हो रहा है, कैल्शियम हड्डियां टूट गई, मतलब कि कैल्शियम की कमी हो रही है। कैल्शियम यदि बॉडी में कम है, दैट मींस कि बोन्स की जो मजबूती है वो कम हो रही है, और मजबूत नहीं रहेगी तो आसानी से कहीं पर भी मुड़ा टूट जाएगा, है ना। तो यदि कैल्शियम कम है, इसीलिए डॉक्टर्स कई बार कहते हैं ना कि 30 के बाद 35 के बाद हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो रहा है। तो उसके लिए बाहर से ऐसे प्रोटीन सब्सटेंसेस देते हैं या कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, जिसको खाइए और बॉडी में कैल्शियम मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि यदि कैल्शियम मेंटेन रहेगा तो बॉडी प्रॉपर वर्क करेगी, या फिर सीधे सीधे कहें कि हड्डियां मजबूत रहेंगी। यदि मजबूत नहीं है तो वो ऐसे पट से टूट जाएंगी ना। बोन सेल्स जिनको ऑस्टियोसाइट्स, ध्यान रखेंगे, ऑस्टियोसाइट सेल्स जिनको बोन सेल्स कहा जाता है, और कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स जिनको क्या कहते हैं, तो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स को कार्टिलेजिनस, सॉरी कार्टिलेज सेल्स कहा जाता है। आर सीन इन स्पेस इज कॉल्ड लिक्यूनी। चलिए देखिए इनका फंक्शंस क्या होता है। बोन्स का इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ बॉडी, सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये प्रदान करती हैं क्या, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करती हैं जो भी सॉफ्टर टिश्यूज हैं। लिम्ब बोन्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस, टेक पार्ट्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट और लोकोमोशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। आल्सो ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड सेल्स कहाँ पर बनती हैं, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो ये होता है बोन्स के बीच में जो स्पेस होता है, जिसको बोन मैरो कहा जाता है। तो ये बोन्स के फंक्शन होते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी लिखती है वो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोस आर रिप्लेस्ड बाई बोन्स इन एडल्ट्स। कार्टिलेज इन प्रेजेंट एट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर ज्वाइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। यहाँ यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोन्स हैज ए हार्ड एंड नॉन प्लिएबल ग्राउंड सबस्टेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स विश गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। इनमें कैल्शियम की प्रेजेंस होती है जो कि बोन्स को मजबूती प्रदान करते हैं। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी। बोन्स मेन रूप से स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करती हैं पूरी बॉडी में। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है वही एक तरह से ढांचा है पूरी बॉडी का, है ना, ये देख पा रहे हैं। तो इसी के ऊपर फिर क्या है, इसके ऊपर फिर मस्कुलर टिश्यूज हैं, बोन्स हैं, सॉरी मस्कुलर टिश्यूज, ब्लड, बाकी जो टिश्यूज हैं वो इसके ऊपर ही बनते हैं। सबसे मेन जो फ्रेमवर्क है बॉडी का वो है बोन्स। देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना मानव कंकाल, और मानव कंकाल में आप देख पा रहे हो स्केलेटन सिस्टम, जिसको आप बोन्स कहते हैं। बोन्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। आप आपकी बॉडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्रेमवर्क है वो हमारी बोन्स ही होती हैं, जिसको स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम अभी आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हो आपका स्केल हो गया, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम हो गया, रिब्स हो गई, लिम्स हो गए, हाथ और पैर हो गए, पेल्विक बोन हो गए, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम है। अब इसके ऊपर फिर बाहर से क्या है, मसल्स बिछी होती हैं। मसल्स इससे अटैच होंगी, जिनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। उनसे फिर भाई कई तरफ तरह के एरियोलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज आके अटैच होते हैं, स्किन बनाते हैं। तो वो सारे के सारे काम तब होंगे जब मेन ढांचा तैयार होगा, है ना। ढांचे के ऊपर फिर सारी चीजें एडजस्ट होंगी। बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या करती हैं, बोन्स सॉफ्टर टिश्यूज को, सॉफ्ट टिश्यूज को, और जो अंदर ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट हो गया, ठीक है, हमारा जो ब्रेन हो गया, हमारा लिवर हो गया, इन सब, ये जो जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं, इन सब के ऊपर एक कवरिंग होती है। हमारा जो ब्रेन है उसके ऊपर आपको पता है कि पूरा स्कल प्रेजेंट है। और स्कल का काम क्या है, एक तरह से बाहरी आवरण है ना, बाहरी आवरण है जो स्कल, सॉरी जो ब्रेन को बचा के रखता है।
बाहर से एक पूरा का पूरा खोल तैयार हो रहा है, उसके अंदर ब्रेन आपने डाल दिया। ब्रेन को, एक ब्रेन मेन कंट्रोलर है बॉडी का, तो उसको बहुत संभाल के रखना है। तो बाहर से आपका जो स्कल है वो पूरी की पूरी हड्डियां हैं और अंदर ब्रेन भरा हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। द बोन सेल्स, जिनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड ल्यूकेनी। लिम्स बोन सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। दे आल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। क्लियर? तो ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं, आवागमन में, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं बोन्स। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको एक बोन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और बोन में आप देख पा रहे हो ये इपीफाइसियल लाइन हो गए, स्पंजी बोन है, ये स्पंजी बोन हो गई। ब्लड वेसल्स, बोन्स में ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, ये कॉम्पैक्ट बोन है। और यहाँ पर ये आपको क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बोन मैरो, जहां पर फॉर्मेशन होता है ब्लड का। ठीक है, यहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है बोन में, इन्हीं में ब्लड बनता है और इन्हीं से फिर ब्लड का डिपोजिशन, सॉरी ब्लड का जो फ्लो है वो पूरी बॉडी में जाएगा। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये आपको बोन के बीच में ये स्पेस दिखाई देता है, और ये स्पेस है बोन मैरो जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है, यहीं पर फॉर्मेशन हो रहा है। किसका? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? बोन मैरो में देखने को मिलता है। चलिए अब तीसरे टाइप का जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज है, उसमें ब्लड आता है। ब्लड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपने देखा कहाँ पर हो रहा था? बोन मैरो में हो रहा था। ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स, जिसको आरबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, इतने टाइप के इसमें प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट। सबसे पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सबस्टेंस, बहुत सारे सबस्टेंसेस का जो सर्कुलेशन है वो ब्लड के माध्यम से होता है। ठीक है, आपने भोजन लिया, भोजन से आपने एनर्जी ली, और एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड के फॉर्म में ही होगा। ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड में ही जाएगा। आपने क्या किया, रेस्पिरेशन किया, ऑक्सीजन लिया अंदर, ऑक्सीजन को सारे के सारे टिश्यूज और सारे सेल्स में पहुंचाने का काम ब्लड का ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी टिश्यूज और ऑर्गन्स में बन रही हैं, उन सबको ले आने का काम भी किसका है? ब्लड का है। तो ब्लड का काम क्या है कि बहुत सारा सर्कुलेशन, मैक्सिमम जो सर्कुलेशन है वेरियस सबस्टेंसेस का, वो ब्लड के माध्यम से ही होता है। ठीक है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग प्लाज्मा रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको डब्ल्यूबीसी कहेंगे, और ब्लड प्लेटलेट्स, ये इतने पार्ट्स होते हैं। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सबस्टेंस, बहुत सारे सबस्टेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड में कई कंपोनेंट होते हैं। देखिए, ये रेड ब्लड सेल्स हो गई, ठीक है, आरबीसी हो गई, उसके बाद ये व्हाइट ब्लड सेल्स हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई, ब्लड प्लाज्मा हो गया, और ब्लड प्लेटलेट्स हो गया। ये चार कंपोनेंट मेन रूप से आपको ब्लड में देखने को मिलते हैं। देखिए, ठीक है, अभी आगे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ब्लड को, और हम ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी जब आप आगे पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं, कैसे काम करती हैं, वो सारी की सारी चीजें वापस से आप रिपीट करोगे। ठीक है, इसीलिए इससे पहले जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उससे पहले ही ये चैप्टर पढ़ाया जाता है ताकि आपको चीजें पता हो। हम वहां पर यूज करेंगे एरियोलर टिश्यूज का, एडिपोस टिश्यूज का, है ना, इपिथीलियल टिश्यूज का, कनेक्टिव टिश्यूज का, कनेक्टिव टिश्यू जैसे जिसको क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोलते हैं, ब्लड क्या है, बोन क्या है, ये सारे के सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले पॉइंट्स यहाँ पर इसीलिए डिस्कस किए जा रहे हैं ताकि आपको पता हो। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में एंटर करोगे तब ये चीजें आपको फिर से ना बतानी पड़े। ठीक है, तो देखिए, ये ब्लड वेसल्स हो गई, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है जिसको क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा हो गया, इसमें आरबीसी हो गई, आरबीसी जिनको क्या कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पल्स हो गई, और ये ब्लड प्लेटलेट्स हो गई। ये क्या है, ये ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ब्लड के कंपोनेंट में देखने को मिलेंगे। ठीक,
चलिए, तो यहाँ पर ये आपका खत्म होता है जो कनेक्टिव टिश्यूज था। कनेक्टिव टिश्यूज में आपने पढ़ लिए, बोन्स हो गए, कार्टिलेज हो गए, ब्लड हो गया, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट थे, जिसको आप हिंदी में संयोषी ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मस्कुलर टिश्यूज, तो वो आगे हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसको पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, आगे पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, मसल्स टिश्यूज जिसको कहा जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू क्लास।